यो वेलकम बैक टू देखा था कि कैसे हमारी तो आज हम उसके लिए स्टैचू बनाने वाले हैं और मैं क्रिएटिव मोड में आ रहा हूँ और जैसे जैसे मैं स्टैचू बना लूंगा तो मैं अपना सामान कलेक्ट करूंगा और वो निछावर कर दूंगा गरीबों में निछावर अब जल्दी से यार अपना सामान के लिए हमें चाहिए कोर्स अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कैसा बनने वाला है हमारा किटी का स्टैचू बस हम सामान लेने वाले हैं और अभी हमें चाहिए ऑरेंज ये वाला कॉन्क्रीट ले लेते हैं और ब्लैक कॉन्क्रीट चाहिए बस उसके बाद रेड भी चाहिए तो वो तो हम बाद में ले, ले लेंगे क्या ले भाई ब्लैक तो ब्लैक में पे हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं ये क्या है ब्लैक स्टोन ले लेते हैं कोई बात नहीं है थोड़ा रफ सा लगेगा अपनी किटी पे और मैं निछावर कर दूंगा भाई इतना अभी गुस्सा नहीं करते अभी सबसे पहले ना ग्रास लेते हैं और अभी हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें ना इधर ही बनाना है हमने कोई अपना ऑप्शन चूज नहीं करा कि कहाँ बनाएंगे ऐसे बना लेंगे कोई बात नहीं थोड़ा इधर करके बनाते हैं भाई साहब तब तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना कि घर के साथ में ही किट्टी का स्टैचू बनाए और छोटा ही बनाने वाले हैं अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी लैंड बना ली वैसे स्टार्ट तो मैंने पहले से ही कर रखे है पर कोई बात नहीं यार आप देख लो और मैं आपको इंटरटेन करूँगा क्योंकि आपको पता है कि मैं इतना अच्छा कमेंटेटर हूँ और मैंने ना साइंस में अल्फा बीटा भी कर रखी है अगर आप मैं आपको बता दूँ वैसे मैं ना बहुत अच्छा गेमर हूँ और आपको और किसी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है चौबीस घंटे मेरी वीडियो देखो और मजे करो जल्दी से चलते हैं और अभी ना भाई साहब मजे आ रहे हैं माइनक्राफ्ट खेल के क्योंकि रात का समय और जल्दी से ना सबसे पहले रात का समय हटाते हैं क्योंकि बहुत बेकार है रात का तो नहीं सबसे पहले ना मैं डे कर लेता हूँ फिर वेदर भी सेट कर लेते हैं तो वेदर हम करने वाले हैं डे मैं क्लियर कर देता हूँ भाई साहब क्योंकि हमें परेशानी हो रही है इतनी आवाज़ हो रही है ना भाई साहब पानी की अभी यहाँ पे दिल्ली में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही बताऊँ इतनी शांति हो रखी है यहाँ पे माइनक्राफ्ट में दुनिया भर की बारिश हो रही है असली में हो जाए भाई साहब कितने मजे नहीं आ जाएंगे पर नहीं हमारी बात तो किसी ने मानी नहीं है कोई बात नहीं ये भगवान पर निर्भर करता है कि वो बारिश करे ना करे वैसे हम अपने गेम प्ले देखते हैं और यहाँ पे मैंने छोटा सा अपना लैंड तो बनाने वाला हूँ बस बन चुका है अब मेरे को ना अपनी किटी की शक्ल याद करनी पड़ेगी कैसी है अभी याद करते हैं भाई साहब हाँ भाई पता लग गया किटी की शक्ल कैसी थी अब देखते हैं मेरी क्रिएटिविटी कितने हाई लेवल पे है वैसे मुझे पता है बहुत हाई लेवल पे है पर फिर भी आप देख लो मैं कैसी अपना अच्छा सा बनाता हूँ ऐसे बनाते हैं ना भाई साहब ना ऐसे बनाते हैं घड़े तेजी तरीके से बनाएंगे अभी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ ना आप ब्लैक ब्लैक नहीं ब्लैक नहीं वाइट ही रख लेते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं है एक दो तीन चार इधर से कर लेते हैं भाई साहब छोटा होगा पर बढ़िया होगा ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताओ कोई दिक्कत है तो और बहुत लोग कह रहे थे अपना माइक को इम्प्रूव करो तो नया माइक ले लिया है मैंने उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं डाल दूंगा अभी आप बताओ कमेंट में कैसी आवाज़ आ रही है मेरी मेरे को पता है अच्छी आ रही होगी और अभी ऐसी थी हमारी किटी अभी भाई बिगेनर है तो ऐसी बनेगी ना क्या कर सकते हैं इतना भी वो मत लिखो कमेंट सेक्शन में मुझे पता है आप कुछ ना कुछ लिखने वाले हो गंदा फंदा जल्दी से देखते हैं तो चलो गाइस इसको बनाते हैं के बाद हमने अपनी किटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है पता नहीं कैसा बना है कमेंट में बताना यहाँ पे मैंने उसके ऊपर जो धब्बे टाइप थे वो बना दिए पीछे पुछल बना दी और आई होप आपको टाइम लैफ वीडियो अच्छी लगी हो आप जल्दी से ना सर्वाइवल में आ जाते हैं सारी चीज़ें फेंक के जो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे मेरे को फ़िलहाल तो ये सारा सामान मेरा पड़ा है डर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है जल्दी से सर्वाइवल में आ जाते हैं और कुछ हम ना एडवेंचर करने चलते हैं कुछ डिस्कवरीज अभी पहले ना सो जाते हैं फिर चलेंगे भाई साहब अबे सो जाना तो भाई अभी हम सो रहे हैं अपने थकेले से चालीस साल पुराने बेड पे यहाँ पे एंडरपल दो स्टैक एंडर पल लेके जाएंगे भाई साहब कमी नहीं है मेरे पास अभी मैं ना क्या करने वाला हूँ यहाँ पे इतना ट्राइडेंट ना ऐसे पकड़ लेता हूँ कतई जहर तरीके से इसको इधर देखो कितना मास्टर मैं वो लग रहा हूँ क्या कहते हैं ऑफ थंडर थोर थोर के पास ट्राइडेंट नहीं होता एक्वा मैन ठीक है भाई जज मत करो मैं इतनी मूवियाँ नहीं देखता मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ अंडरस्टैंड चलो स्टार्ट करते हैं अभी फ़िलहाल इसको ऊपर रखते हैं भाई साहब मटन खाएंगे ना भाई साहब जो महंगी चीज़ें वही खाएंगे गाजर तो वैसे भी पचास रुपये किलो हो रखी है बेकार और वैसे भी मैं गाजर खाता नहीं हूँ चलते हैं और एक गोलम अरे भाई साहब तीन तीन गोलम मैं इतने गोलम किसने स्पॉन करे भाई साहब मे मेरे से बिना पूछे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते ये पूरा वर्ल्ड मेरा है ओए बेटा भुत पीटेगा बता रहा हूँ देख मतले मेरी तरफ क्या हाँ क्या अरे वो आ रहा है भाई पीछे से पहले ना निकल लो और यहाँ से मेरे को ना तोड़ना है ताकि मैं उसको जाके सामान दे सकूँ अच्छे से ए हाँ ओए जा रहा हूँ मैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना <laughs> चलो गाइस पहले बोट भी तो बनानी है इतना काम है मैं ना भूल ही जाता मेरे को इतनी टेंशन है अपने चैनल की, घर की घर भी, अरे तू घंटे तो उठना ये रा। कितना बदतमीज है चल उसको मार जाके मार इसको ऐसे करके देखते देख, भी ट्राइडेंट चाहिए अरे मार ले अरे यार मैं, अरे बच बच गया टोटम ऑफ एंड नहीं होता ना अभी तक मैं अपने ही स्पोन करे गोलम को मार देता और ये पता नहीं क्यों मरने घड़ी तेजी कर रहा है जल्दी से ना हम अपनी हेल्थ बढ़ा लेते हैं आ बेटा तू अरे मेरे पास वो भी तो नहीं है ना मैं भी गधेड़ा ही हूँ अरे मार रहे स्वैन उसको भाई साहब स्वैन ने पहली बार कोई अच्छा का। आम करा है मर गया वो और स्वैन चल तू बैठ जाइा चल चलो इसको हम बिल्कुल भी हम रख लेंगे क्राफ्टिंग करने के लिए हम कोई इसकी कबर नहीं बनाने वाले क्योंकि मैं हूँ बेशरम आदमी जल्दी से लेते हैं यहाँ पे जो जो सामान चाहिए मैं भाई साहब इतना महंगा सामान ले जा सा... रह रहा हूँ ना जिंदगी में किसी ने नहीं लिया होगा इतने एंडरपल भर रखे हैं ना मैंने और मैं सोच रहा हूँ एक रेड को भी ट्रिगर कर लूँ जिससे मेरे को सामान सस्ता मिले वैसे मैं ट्रेडिंग नहीं करता पर फिर भी थोड़ी रेपोटेशन तो हमारी बढ़ेगी जल्दी से यहाँ पे एरो एरो का है अबे एरो का है और आपने देखा होगा मेरे पास 64 फोर गोल्डन एप्पल है और मैंने एक ही खाए उनमें से दो खाए हैं और मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ इसलिए अभी तो हमें एक मिशन मिला था जैसे कि आपको पता है कि हमें उसको मारना है मतलब नेदर में से 24, 64 फोर जो भी होता है हमें उतना गोल्ड लाना है और मैं फिर नदर में नहीं जाऊँगा अबे यार मैं बार बार ना बोट बनाना भूल रहा हूँ और मेरे को वुड भी चाहिए इसके घर से तोड़ दूँ पीछे से तोड़ लेते हैं बाहर में रख देंगे कोई देख तो नहीं रहा ना चलो स्वयं तो उधर बैठा है वो नहीं देखेगा मुझे पक्का तू नीचे गिर पहले तू नीचे गिर चल देख रहा है ना इधर उधर मत जाइ गलती से अभी तेरे महंगी चीजें वो बदतमीज तो गैस अभी ना मैंने इसमें क्वार्ट्स और ऑरेंज ब्लैक कंक्रीट यूज़ करे थे तो वो मैं नेदर से ले आऊँगा अभी मेरे को यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल पे आना है और अभी चेक करते हैं बोट कैसे लिखते हैं बी ओ टी बोटल हो गई है अरे सही है इजी पीजी बना लेते हैं एक बोट और ये तीन लकड़ियाँ ले चलते हैं क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो गई हैं बाजार में अगर आपको घर बनवाना है ना तो डी के भी बिल्डर मैं आपके घर पे आ सकता हूँ माइनक्राफ्ट में वैसे मैं सच्ची का बिल्डर नहीं हूँ समझ रहे हो ना आप मेरी बात घड़ी तेज चले गाइस हमारी एलाइट्रा की फर्स्ट फ्लाइट अब जल्दी से आप यहाँ से ना कूदते हैं और इसकी भैंस की टाँट हम उड़ चुके हैं अभी जाएगा मेरे को ना भाई साहब ये भी देखने नहीं आते जो भी इनको कहते हैं ना मेरे को पता ही नहीं इनको देखते कैसे हैं तभी मैं ना जिंदगी में कभी भी डिस्कवरी पे नहीं गया पर फिर भी चलते हैं अगर भाई साहब मैंने ट्राइडेंट रखे हूँ सबसे पहले अब तक क्योंकि अगर हमें मरना भी पड़ गया ना तो हमारा ट्राइडेंट ना जा पाए जल्दी से अंदर से चेस्ट में रखता हूँ और पहली बार ना हमारी किसी गेम में सेफ़ लैंडिंग हुई है हवा से उड़ के जी टी फाइव में तो कभी नहीं होती और अगर आपने वीडियो देखी तो जल्दी से देख लो जाके फिर से एक और बार और यहाँ पे ये क्या पूप पूपी बहुत अच्छे ऑप्सीडियन भर रखे हैं कति गोल्डन स्वॉर्ड भी है मेरे पास ले चलते हैं कोई बात नहीं ये मेरे को उस महान फाइट में मिली थी जब मैंने पिगलिन से दस बार हार मरा था मैं कोई बात नहीं इतना तो चलता ही है भाई साहब और यहाँ पे मेरे पास इतना माल पड़ा ना इनको तो मैं कभी ज़िंदगी में यूज़ ही नहीं करने वाला सैडल ये भाई साहब बहुत मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है यहाँ पे अरे मेरे पास ना एक आइडिया भाई साहब मैप भी तो पड़ा है मेरे पास मैप पढ़े हम मैप ले चलते हैं ना अपने घर पे हम आ भी सकते हैं देखो मेरा दिमाग वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी माइनस आई क्यू है मेरी अब जल्दी से ना यहाँ पे चेक करते हैं मैं जाना कहा है अरे भाई साहब कभी भीड़ लगा रहे कि भेड़ ने भी हेलो मैं हूँ ठीक है भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिसके बदले आपको बताऊँ क्या मिलेगा शिव जी बताऊँ आपको क्या मिलने वाला है पूछो क्या मिलने वाला है कर ले हाँ बताऊँ क्या मिलेगा चाटा मिलेगा और वो भी बहुत बुरी तरह से कि एक एक चाटे में ना तू टपक जाएगी चल और भाई ये शॉर्ड में शार्पनेस लगी है ना वन और इतनी बढ़िया चल रही है अबे इलाइट्रा अभी मेरे को नहीं उड़ना मेरी बात मान ले वूल तो मेरे पास बहुत पड़ा है भाई साहब एक एक करके वूल निछावर कर देंगे क्योंकि कंक्रीट बहुत महंगा होता है असलियत में भी और माइनक्राफ्ट में भी अब जल्दी से ना यहाँ पे बेचारा अकेला घूम रहा है। शीप्स के ट्राइब में पर हम इस पर दया बिल्कुल नहीं करने वाले हट। हम इसको भी मारेंगे क्योंकि हम हैं बहुत बड़े कंजूस। चलो वाइस चलते हैं सबसे पहले ना मैं ढूंढने हूँ। क्या हम पिरामिड ढूंढने वाले हैं जिससे हम थोड़ा माल पानी उठा के ले आए ढंग ढंग का वैसे मेरे को बुक्स के कोई कमी नहीं है बस मैंटिंग मिल जाए ना भाई साहब एक दो तब आ जाएँगे मज़े और अभी यार मैं रात के बारह बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतना तो बनता ही है सब्सक्राइब तो कर दो और नीचे क्या है जाया जाए वैसे मैं डरता तो नहीं हूँ पर हम फिर भी नहीं जाने वाले क्योंकि आपको पता है ये है केव और केव में हो जाती है हमारी ऐसी तैसी जल्दी भाई साहब कुछ जा बड़ी केव नहीं है हम तो नहीं जाने वाले देखो अब मैं ना नीचे से ही सेफ लैंडिंग करने वालों और मेरा घर भी अब मेरे को पता नहीं कहाँ है पता नहीं हम सलामत लौटेंगे या नहीं अबे ओ अबे ऐसे थोड़ी ना है, पटाखे बताऊँ कितने महंगे हो गए ये रखो ऐसे करते हैं हम फ्लाई अभी यहाँ पे ना शिप रैक मिल जाए शिप रैक अब मैंने ना क्या करता हूँ कि पहले इजी मोड पे कर लेता हूँ क्योंकि फिर ना हमें ट्राईटेंट मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है चलो अरे यार मैं पोशन नहीं लाया ना यार दिक्कत हो जाएगी और मेरे को वैसे पफ पफर फिश चाहिए उसके लिए अभी ना मैं डेजर्ट में ही घूमता हूँ देखता हूँ काम कुछ मिलता है या नहीं और मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं आ गया यार डर लग रहा है मेरे को बताऊँ सच्ची में यहाँ पे अगर पोलर बियर वगैरह कोई मिल गया ना मैं उसको ले कर चल लूँगा भाई साहब और इलाइट्रा उड़ाने के तो भाई मज़े ही कुछ और है जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे कुछ मिल क्यों नहीं रहा भाई साहब मेरा लक इतना बेकार है और दूसरों को देखो उनको डायमंड के इतने अबे अबे ये देखो एक सेक यही रोको मेरे को यहीं रोक मेरे को यही रोकना है यहाँ पे ये महारानी जी ऊपर देखना क्या कर रही है मैं इसके ऊपर एम करता हूँ कैसे है भाई इतना अच्छा एम है मेरा देखो अरे तू पानी में कैसे गिर रही है तुझे तो पता नहीं मैं डी के बी द किंग ने तुझे वो करे अरे हनी का वहाँ पे मिल सकता है मैं छत्ता अब मिल गया गाइस मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं हनी को कुछ भी नहीं करूँगा मैं बल्कि इसको कुक्ड मटन दूँगा और यहाँ से निकल लेते हैं देख तो नहीं था। चलो यहाँ से ले ही चलते हैं कोई बात हेलो हेलो गाइस अब अम... सन्नी हेलो मैं सनी लियोनी हूँ जाके मुझे काट और चलो यहाँ से और बेटा कुछ कह मत दियो गलती से भी पॉइजन दे देगी ना यार ये एक दिक्कत है कोई बात नहीं है ना भग लेंगे रेडी स्टी गो कहाँ है अबे कहाँ है अरे यार झंड हो गई मेरी बताओ तो मैंने एक से कर यार मैं ना कुछ भी तैयारी नहीं करके आता हूँ सच्ची में तीन है ना हमारे पास पहले वुड ले, ले लेते हैं एक बेड भी बनाना है हमें क्योंकि बेड के बिना हम सो नहीं पाएंगे और आपको पता है नहीं सो पाएंगे तो क्या होता है यहाँ पे मेरे को अपने चार वुड को निछावर करना पड़ेगा यहाँ पे पहले ही आ गया बैठ बताऊँ मेरी इतनी रेपोटेशन है ना इस गेम में कि लोग मेरे को देखते ही पता ल... लगा लेते हैं कि यहाँ रिस्पॉन्ड यार ना करो यार ऐसा ना प्लीज मैं अगर यहाँ पे भी मर गया ना बहुत कांड हो जाएगा यार यहीं स्पॉन हूँ जहाँ भी मरूंगा मैं शर्ट यार कहीं मेरे को विलेज में जाना मर ले सोले बेटा चलो गाइस चलते हैं कोई बात नहीं तू भी आ जा तेरे को भी मैंने फ्री का नहीं बनाया डिफॉरेस्टेशन करी है मैंने वो भी कैसे भर के अभी मैंने फिर वापस घर जाने वाला हूँ क्योंकि हमें पता है कुछ नहीं मिल रहा अरे पास में ही है हम बताऊँ चलते हैं कोई बात नहीं इधर ही किधर है हमारा घर अबे इधर ही है ना कहाँ है घर कुछ दिख भी नहीं रहा एक काम करते इसको उतारो पहले Uh, अरे नहीं रुक जाओ मेरे को चेक करने रो हम कहाँ हैं हम हैं अबे कहाँ हैं अरे बता ले बेटा यार सोते हैं सबसे पहले ना रात हो गई है और इधर रिस्पॉन्स पॉइंट सेट हो जाएगा मुझे अरे यार ऐसी तैसी हो जाएगी यहाँ पे बताऊँ मेरे को अपने विलेज का ना नाम लाना चाहिए था अगर मैं खो भी जाता तो मैं ना टेलीपोर्ट कर लेता वहाँ पे फालतू में अबे मैं हूँ कहाँ यार ये, ये बड़ी दिक्कत है ना इसकी मेरे को पता भी नहीं चल रहा मैं कहूँ वाइट डॉट नहीं है यार वाइट डॉट तो भाई बिल्कुल वहाँ पे यहाँ पे हमारे कितना अच्छा घर दिख रहा है इसके अंदर और ऊपर नेदर पोर्टल अरे है काम ऐसे थोड़े ना होते यार ऐसे ना करा करो मेरे साथ वो तो मेरे को गुस्सा खुंदक चढ़ जाती है बेटा फिर ना अब जब मेरे को खुंदक चढ़ती है तब तो मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे अबे कांड हो गया ना हो गया कांड गाइस मेरे को ये विलेज मिला है बेकार सा बड़ा पर यहाँ पे ना लूट अच्छी हो सकती है और मेरा घर तो भाई पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे लूट करूँगा तो ऐसे तर... अरे किटी क्या है यहाँ चले बैठे यहाँ से बेकार वाला बेड है सस्ता माल है इनके पास भी ये भी ना मेरे जैसे ही वो हैं बहुत पर मेरे पास डायमंड की कोई कमी नहीं है सच्ची बता रहा हूँ भाई से। पर अच्छा बना रखा है कुछ भी कहो यहाँ पे मैं लूट नहीं करने वाला गरीब अबे उड़ ले आहा देखा गाइस इतना बड़ा विलेज है मेरी किस्मत ना बिल्कुल जवानी जैसे खिल रही है मेरी अबे है हाँ। अरे यार मिल जाना यार ऐसे तेजी ना करे अरे वो देखो वो देखो गाइस ये क्या है यहाँ पे अरे नहीं यहाँ पे ना लावा होता है भाई सब बच के फायर प्रो प्रो, प्रो प्रोटेक्शन फोर बैड है सिल्क अभी हो पे कौन सिल्क टच लगाता है भाई तो पागल तो नहीं है दो फ्लिंटन स्टील ये क्या है गोल्ड हॉर्स आर्मर चलो अनब्रेकिंग वन अच्छा है माल भाई बहुत मिल चुका है फार चार्ज भी ले लेते हैं जब सा ओ भाई गाइस यहाँ पे ना हमें यहाँ पे दूसरे टाइप का नज़र पोर्टल मिल चुका है और इसकी भी एक स्टोरी थी कि कैसे नज़र पोर्टल बना तो उसकी अगर आपको वो स्टोरी चाहिए तो मैं आप डाल सकता हूँ क्या फेंकूँ यहाँ पे सारा काम का इससे भाई साहब अगर हम ये जहाँ पे भी रखते हैं ना तब हम वही इस होते हैं अब मैं नहीं मरने चाहता है प्लीज़ कृपया करके ना मेरे को मारना मत प्लीज़ अब मैंने दोनों तोड़ फोड़ दूँगा क्योंकि आपको पता ही है मैं कैसा हूँ अपने एक से भाव का अब गोल्ड दो भाई साहब वैसे गोल्ड अरे ये भी तो नेदर से ही गोल्ड आता है देखा गाइस मेरा दिमाग थाउजेंड थाउजेंड प्लस आई क्यू है मेरी ये लेके चलें चलो ये तो कहीं से भी मिल जाएगा चलो भाई चलते अबे चल ले चल अरे चल ना भैया पागल अरे अरे आगे 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 प्लीज प्लीज मेरा वर्ल्ड मेरा वर्ल्ड भगवान प्लीज मेरा वर्ल्ड अरे और पहली बार पहुंच गए गाइस पहली बार अरे हम ये ना सबसे पहले मैं जब भी पहली बार हमें हमारा घर मिल चुका है अरे पापा मेरे को मेरा घर मिल गया अरे मिल गया घर घर तो फिर निकल मेरे से अब यहाँ पे मैंने इस वर्ल्ड को लेने के लिए बताऊँ पैसे खर्च करे थे अगर पापा को पता लगता ना कि मैंने ये वर्ल्ड खो दिया है तो पक्का छः सात दिन तक तो जूते खाने को मिलते थैंक यू हेलो कोलम हम अपने किट्टी को थोड़ा निछावर करके आते हैं हेलो कट्टी ले अरे सारे ना खा बहुत महंगे हैं ले एक खा ले चल ज्यादा नखरे ना दिखा खाना है तो खा वरना भाड़ में जा चल हाँ, बात करते हैं अभी ना मैं क्या करने वाला हूँ जो ये क्राइंग है ना इससे मैं क्या करूँगा कि ये रहा रिस्पॉन एंकर पता नहीं भाई साहब कैसे होने वाला है इधर इधर लगाते हैं अभी इसके अंदर का जाडूटो ना करना कोई पानी डालना शायद क्या कर सकते हैं अब हम एक काम करते हैं वैसे तो हम इधर स्पॉन होते हैं पर एक बार ना बाहर लगा के देखते हैं कि बाहर स्पॉन होते हैं अगर हाँ तो इस वीडियो पे मैं लाइक एम करता हूँ पूरे तीस लाइक्स आई होप आप कर दोगे यहाँ रखते हैं किल कर दो भाई साहब मेरे को मैं चीट कोट डालूँ ऐसे मर जाऊँ जोबीज से मर जाते हैं पर मैं सोच रहा हूँ ना गोलम से मर जाऊँ थोड़ी रेपोटेशन बनी रहेगी कि भाई गोलम से मरा है और यह वैसे भी है मेरे गोलम नहीं है एक को तो मार ही देता हूँ हेलो अरे हाँ मार दे प्लीज़ आज मैं पहली बार तेरे पास मरने के लिए आया अरे मैं भी गधेड़ा ही हूँ टोटम ऑफ एंडाइंग पकड़ रखा है मैंने भी जल्दी मार हाँ चल बढ़िया है अब एक घंटा काम आया कुछ भी काम नहीं आया ये तो वहाँ पे मैंने ऐसी तैसी बेकार है बिल्कुल बेकार है एकदम तो चलो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता है अगली वीडियो में और 30 लाइक्स कर देना भाई साहब और सब्सक्राइब भी कर देना चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही मिलता है अगली वीडियो में टिल देन Bye bye Tell me pretty lights Look me in the face Tell me that you love me even if it's fake.